हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे हमें दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ए प्लस आई बी, ए और बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब रियल नंबर है। आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट माइनस 1 है और हमें ए एंड बी के वैल्यूज भी यहाँ पर स्टेट करने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इस नंबर को a प्लस आई बी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और फिर साथ में a और b के वैल्यूज फाइंड करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो दिया है, सपोज हम z इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं 1 प्लस 2i, मतलब आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा। लुक हियर, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम z यूज करेंगे। नाउ देयरफॉर z इक्वल्स टू 1 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, 1 से आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा रहेगा, ओके, माइनस 2 प्लस आयोटा, 2 आयोटा से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी माइनस 4 आयोटा, 2 आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 2 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए, आयोटा का वैल्यू अगर स्क्वायर रूट माइनस 1 है तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 रहेगा। देयरफॉर जेड इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, बहुत ही सिंपल है, आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1। हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं आई स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। नाउ देयरफॉर जेड इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, अगेन माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2 इट विल बी माइनस 4, माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, ओके। नाउ जेड इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे ए प्लस आयोटा बी, देयरफॉर ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं तो ए मतलब रियल पार्ट का वैल्यू माइनस 4 रहेगा, बी मतलब इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू माइनस 3 रहेगा। ए इक्वल्स टू माइनस 4 एंड बी इक्वल्स टू माइनस 3। अब देखिए, सेकंड जो सब क्वेश्चन हमें दिया है, यहाँ पे हम जेड इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा रेस टू माइनस 1। देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा, ऐसा ले सकते हैं, रेस टू माइनस 1 बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस। अगर हम डिनोमिनेटर में लेते हैं तो रेस टू प्लस 1 होगा, प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं। नाउ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। देखिए, जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसी से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है, 1 माइनस आयोटा मतलब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इट विल बी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। नाउ देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर को हम अगर एक्सपांड करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये रहेगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। हमें आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पता है माइनस 1, ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस माइनस 1 सिंस वॉट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, ओके। देयरफॉर जेड इक्वल्स टू ये रहेगा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस इंटू माइनस 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2। यहाँ पे क्या रहेगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब 2, ये प्लस इंटू माइनस इट विल बी माइनस, मतलब ये माइनस 1 ही मिलेगा हमें, ठीक है ना, ये रहेगा माइनस 1। क्या किया हमने यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, ये 1 प्लस 1 मतलब हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं, तो z इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2 आयोटा अपॉन 2,
एंड देयरफॉर जेड इक्वल्स टू सिंपली आयोटा रहेगा। ओके, इसी आयोटा को हम ले सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जीरो प्लस आयोटा, चलेगा ना। इसे हम क्या लिखेंगे, जीरो प्लस आयोटा। और अगर हम इसे कंपेयर करते हैं जेड इक्वल्स टू ए प्लस या फिर इसी, मतलब ये जीरो प्लस आयोटा इक्वल्स टू, अगर हम ए प्लस आयोटा बी लेते हैं तो हमें ए का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो, और बी का वैल्यू आयोटा का कोएफिशिएंट कितना है, वन। तो यहाँ ए का वैल्यू जीरो रहेगा और बी का वैल्यू वन मिलेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से थर्ड सब क्वेश्चन में हम जेड इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं आयोटा इंटू फोर प्लस थ्री आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा। ओके, देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में वन माइनस आयोटा था, तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया था, वही यहाँ पे लेते हम। अगर इस आयोटा से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आयोटा प्लस थ्री आयोटा स्क्वायर मिलेगा अपॉन वन माइनस आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ जेड इक्वल्स टू फोर आयोटा प्लस थ्री इंटू माइनस वन अपॉन, ठीक है, थ्री इंटू माइनस वन अपॉन, यहाँ मिलेगा हमें वन माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना, वन स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। इंटू देखिए इंटू क्या रहेगा, इंटू यहाँ पे रहेगा वन प्लस आयोटा। अब इस वन प्लस आयोटा से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। नाउ जेड इक्वल्स टू फोर आयोटा, हमने आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन सब्स्टिट्यूट किया है, फोर आयोटा माइनस थ्री इंटू वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस माइनस वन, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमने माइनस वन सब्स्टिट्यूट किया है। एंड देयरफॉर जेड इक्वल्स टू फोर आयोटा से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आयोटा, फोर आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आयोटा स्क्वायर, माइनस थ्री से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री, माइनस थ्री से आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री आयोटा मिलेगा अपॉन वन प्लस वन का वैल्यू टू रहेगा। ओके, एंड देयरफॉर देखिए क्या मिलेगा, फोर आयोटा माइनस थ्री आयोटा, इट विल बी सिंपली आयोटा। ओके, प्लस फोर इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन माइनस थ्री होल टर्म डिवाइडेड बाय टू, एंड देयरफॉर जेड इक्वल्स टू आयोटा माइनस फोर माइनस थ्री अपॉन टू। इसका मतलब जेड इक्वल्स टू माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन, माइनस सेवन प्लस आयोटा अपॉन टू, ये हमें आंसर मिलेगा। एंड देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू माइनस सेवन बाई टू प्लस वन बाई टू आयोटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हम ले सकते हैं ए प्लस आयोटा बी। ओके, अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए का वैल्यू हमें माइनस सेवन बाई टू मिलेगा और बी का वैल्यू वन बाई टू रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने हर एक नंबर को ए प्लस आयोटा बी इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है और साथ में ए और बी के वैल्यू फाइंड किए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन फोर्थ में हम जेड इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे, ध्यान दीजिए, टू प्लस आयोटा अपॉन थ्री माइनस आयोटा इंटू वन प्लस टू आयोटा, ठीक है। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, नाउ टू प्लस आयोटा अपॉन, ध्यान दीजिए थ्री को अगर वन से मल्टीप्लाई किया तो थ्री मिलेगा, थ्री से टू आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो सिक्स आयोटा रहेगा। ओके, सिक्स आयोटा, माइनस आयोटा से वन को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा रहेगा, माइनस आयोटा से प्लस टू आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू आयोटा स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। नाउ देयरफॉर जेड इक्वल्स टू न्यूमरेटर में टू प्लस आयोटा है अपॉन थ्री प्लस फाइव आयोटा माइनस टू इंटू माइनस वन रहेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, माइनस वन। एंड देयरफॉर जेड इक्वल्स टू टू प्लस आयोटा अपॉन थ्री प्लस फाइव आयोटा प्लस टू, देयरफॉर जेड इक्वल्स टू
z इक्वल्स टू देखिए क्या रहेगा, 2 प्लस आयोटा अपॉन 5 प्लस 5 आयोटा। ओके, तो यहाँ पे हम 2 प्लस आयोटा अपॉन 5 प्लस 5 आयोटा जो है इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 माइनस 5 आयोटा से। कैसे मल्टीप्लाई किया हमने? 5 माइनस 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। नाउ देयरफॉर z इक्वल्स टू देखिए क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 2 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मिलेगा, 2 से माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 10 आयोटा रहेगा, आयोटा से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आयोटा रहेगा, आयोटा से माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 5 आयोटा स्क्वायर मिलेगा, अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। ओके, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू 10 माइनस 5 आयोटा माइनस 5 इंटू माइनस 1। ठीक है, चाहे तो मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है चलेगा। ओके, अपॉन 25 इंटू माइनस 25 माइनस 25 इंटू माइनस 1। हमने क्या किया, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर था वहाँ हमने माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया है, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू 10 माइनस 5 आयोटा प्लस 5 अपॉन 25 प्लस 25। ओके, 10 प्लस 5 15 मिलेगा, देयरफॉर z इक्वल्स टू 15 माइनस 5 आयोटा अपॉन 50, 25 प्लस 25 50, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू 15 अपॉन 50 माइनस 5 अपॉन 50 आयोटा, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू देखिए अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 अपॉन 10 मिलेगा, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 अपॉन 5 10 जा 50, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50। ओके, अब z इक्वल्स टू हमारे पास सपोज क्या है, a प्लस आयोटा बी, देयरफॉर 3 बाई 10 माइनस 1 अपॉन 10 आयोटा इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, या फिर a प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू 3 बाई 10 माइनस 1 बाई 10 आयोटा। नाउ देयरफॉर a का वैल्यू हमारे पास 3 बाई 10 रहेगा और b इक्वल्स टू रहेगा माइनस 1 अपॉन 10। ओके, इसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, कौन से फॉर्म में, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। अब इसी प्रकार से हमें फिफ्थ को सॉल्व करना है, हम फिफ्थ में z इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू लुक हियर क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्सपांड अगर करते हैं एक्चुअली क्या रहेगा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है ना, सेपरेट हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया है तो ये रहेगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन। ओके, डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन हमें पता है, देयरफॉर z इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 है, अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा प्लस अगेन माइनस 1, बाय क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 है, सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, इसका मतलब z इक्वल्स टू मिलेगा हमें 2 आयोटा अपॉन माइनस 2 आयोटा। ओके, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू माइनस 1 रहेगा। ओके, 2 आयोटा अपॉन माइनस 2 आयोटा मतलब माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं, z को हम लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस 1 प्लस 0 आयोटा, लिख सकते हैं
minus 1 plus 0 iota. This is equals to a plus iota b. And therefore, a का वैल्यू माइनस वन रहेगा और b इक्वल्स टू हमें जीरो मिलेगा. देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है ये जीरो है और रियल पार्ट हमें कितना मिला है माइनस वन. हर एक नंबर को, हर एक दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी इस फॉर्मेट में पहले एक्सप्रेस कर रहे हैं और फिर a और b के वैल्यूज हम यहाँ पे स्टेट कर रहे हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन सिक्स हमें जो दिया है, हमने z इक्वल्स टू कंसिडर किया है. अब यहाँ पे हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं. ठीक है, नाउ जेड इक्वल्स टू, अगर इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 प्लस 2 आई से किसे मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस 5 आयोटा को. ठीक है, फिर बाद में 3 माइनस 2 आयोटा से किसे मल्टीप्लाई करना है, 2 माइनस 5 आयोटा को, अपॉन यहाँ रहेगा 2 माइनस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा. ओके, नाउ देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5 आयोटा 15 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 2 4 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 5 आयोटा 10 आयोटा स्क्वायर. अब इसी प्रकार से 3 इंटू 2 6, 3 से माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 आयोटा, माइनस 2 आयोटा से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 आयोटा, माइनस 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा इट विल बी प्लस 10 आयोटा स्क्वायर. एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर. अब यहाँ पे 15 आयोटा माइनस 15 आयोटा, 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा कैंसल होगा. देयरफॉर z इक्वल्स टू 6 प्लस 6 12, 10 आयोटा स्क्वायर प्लस 10 आयोटा स्क्वायर 20 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 25 इंटू माइनस 1 सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1. न्यूमरेटर में भी हम क्या ले सकते हैं, z इक्वल्स टू 12 प्लस 20 इंटू माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 25 सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1. यहाँ का जो आयोटा स्क्वायर हमने माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया है एंड देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 12 माइनस 20 अपॉन 29. ओके, एंड देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 12 माइनस 20 माइनस 8 अपॉन 29. अब यहाँ पे हमें इमेजिनरी पार्ट नहीं दिख रहा है तो हम इसे लिखते हैं प्लस 0 आयोटा. 0 आयोटा ये कौन से फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b फॉर्म में. ओके, एंड देयरफॉर a का वैल्यू माइनस 8 अपॉन 29 और b इक्वल्स टू रहेगा 0. ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें 7th सॉल्व करना है. देखिए 7th में क्या दिया है, 1 प्लस आयोटा रेस टू माइनस 3, मतलब माइनस क्यूब रहेगा. लेट जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रेस टू माइनस 3. ठीक है, नाउ देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा रेस टू 3 इस प्रकार से लिखते आएगा, चलेगा. अगर इसे हम एक्सपांड करते हैं देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन, ध्यान दीजिए, 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्यूब. इसके लिए हम a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब. तो यहाँ रहेगा 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब. ठीक है ना, हमने 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्यूब यहाँ पे यूज़ किया है, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया है इसके लिए. नाउ इट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, मतलब 3 इंटू माइनस 1. और हमें आयोटा क्यूब का वैल्यू भी पता है, आयोटा क्यूब का वैल्यू रहेगा माइनस आयोटा. यहाँ पे लिखते हैं हम सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 और आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा. ओके,
and therefore z equals to 1 upon 1 plus 3 iota minus 3 minus iota. Okay, इसका मतलब z equals to क्या मिलेगा, 1 upon 1 minus 3 minus 2 minus 2 plus 2 iota. Okay, minus 2 plus 2 iota. देखिए 1 minus 3 minus 2, 3 iota minus iota plus 2 iota. इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम इसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रहेगा इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेना है मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. तो इमेजिनरी पार्ट का साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ हमने माइनस लिया है. देयरफॉर जेड इक्वल्स टू माइनस टू माइनस टू आयोटा अपॉन, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर माइनस टू आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देयरफॉर इसे ही अगर आगे हम लिखते हैं या फिर यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर जेड इक्वल्स टू माइनस टू माइनस टू आयोटा अपॉन माइनस टू स्क्वायर फोर, टू आई स्क्वायर मतलब टू आयोटा स्क्वायर इट विल बी फोर आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमें माइनस वन सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस वन माइनस टू आयोटा अपॉन फोर माइनस फोर इंटू माइनस वन. आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, सिंस यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन. ठीक है, इसे यहाँ सॉल्व करेंगे. देखिए अब इसे हमें क्या लिखते आएगा, ध्यान दीजिए. नाउ देयरफॉर जेड इक्वल्स टू, देयरफॉर जेड इक्वल्स टू माइनस टू माइनस टू आयोटा अपॉन फोर माइनस माइनस फोर मतलब फोर प्लस फोर एंड देयरफॉर जेड इक्वल्स टू माइनस टू माइनस टू आयोटा अपॉन एट. देयरफॉर जेड इक्वल्स टू माइनस टू, तो यहाँ से हम टू बाहर लेते हैं, तो ब्रैकेट में देखिए क्या मिलेगा, माइनस वन माइनस आयोटा अपॉन एट. टू से अगर एट को डिवाइड करते हैं तो फोर मिलेगा. देयरफॉर जेड इक्वल्स टू माइनस वन माइनस आयोटा अपॉन फोर. देयरफॉर जेड इक्वल्स टू माइनस वन बाय फोर प्लस माइनस वन बाय फोर आयोटा. ओके, ये कौन से फॉर्म में है, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी फॉर्म में है. इसका मतलब ए का वैल्यू माइनस वन बाय फोर और बी का वैल्यू भी क्या मिलेगा, माइनस वन बाय फोर. ओके, देखिए वन प्लस आयोटा रेस टू माइनस थ्री को एक्सपांड करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, उसको ए प्लस आयोटा बी इस फॉर्म में लिखा है और ए और बी के वैल्यूज हमने यहाँ पे स्टेट किए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सब क्वेश्चन एट देखिए, लेट z इक्वल्स टू टू प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री. ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट माइनस वन का वैल्यू आयोटा है. ठीक है ना, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर रूट में अपॉन फोर प्लस स्क्वायर रूट में थ्री इंटू माइनस वन. इसका मतलब टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री इंटू स्क्वायर रूट माइनस वन अपॉन फोर प्लस स्क्वायर रूट थ्री इंटू स्क्वायर रूट माइनस वन, और स्क्वायर रूट माइनस वन का वैल्यू आयोटा है. देयरफॉर जेड इक्वल्स टू टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा अपॉन फोर प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा. ओके, सिंस आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट माइनस वन. अब डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो रहेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड देयरफॉर जेड इक्वल्स टू, देखिए 2 इंटू 4 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट 3
I का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री मिलेगा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिखते आएगा, समझ रहे हैं ना आप। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर रहेगा। देयरफॉर z इक्वल्स टू एट माइनस टू स्क्वायर रूट थ्री आयोटा प्लस फोर स्क्वायर रूट थ्री आयोटा, इट विल बी टू स्क्वायर रूट थ्री आयोटा, ओके माइनस थ्री आयोटा स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा 16 माइनस, चाहे तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे सिंस यहाँ पे लिखते हैं हम आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। एंड देयरफॉर जेड इक्वल्स टू देखिए माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री मिलेगा, ओके एट प्लस टू स्क्वायर रूट थ्री आयोटा प्लस थ्री अपॉन 16 प्लस थ्री, ओके एंड देयरफॉर जेड इक्वल्स टू एट प्लस थ्री एलेवन, एलेवन प्लस टू स्क्वायर रूट थ्री आयोटा अपॉन 16 प्लस थ्री, इट विल बी 19, इसको हम लिख सकते हैं 11 अपॉन 19 प्लस टू स्क्वायर रूट थ्री अपॉन 19 आयोटा, ओके अगर इसको हम देयरफॉर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b, चलेगा। तो देखिए a का वैल्यू कितना रहेगा 11 अपॉन 19 और b का वैल्यू टू स्क्वायर रूट थ्री अपॉन 19, ओके इसको हमने a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमें लेंदी दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा ये जो दिया है हमें ये थोड़ा हमें लेंथ में ज़्यादा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। अब ये रहेगा माइनस स्क्वायर रूट फाइव प्लस टू स्क्वायर रूट माइनस फोर, ओके फिर याद बाद में प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट माइनस नाइन प्लस टू प्लस थ्री आयोटा इंटू टू माइनस थ्री आयोटा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट माइनस थ्री को क्या लिखा है स्क्वायर रूट थ्री आयोटा, स्क्वायर रूट माइनस थ्री को क्या लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट थ्री आयोटा। अगर यही यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं जेड इक्वल्स टू यहाँ माइनस स्क्वायर रूट फाइव प्लस टू इंटू टू आयोटा, क्योंकि फोर का स्क्वायर रूट टू है, स्क्वायर रूट में जो माइनस वन रहेगा उसकी जगह हम आयोटा ले सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट माइनस फोर को टू आयोटा लिखेंगे। फिर इसी प्रकार से प्लस यहाँ वन माइनस क्या क्या लिखते आएगा थ्री आयोटा, समझ रहे ना आप। फर्स्ट टर्म को यहाँ के टर्म को हमने टू आयोटा लिखा है और यहाँ के टर्म को हमने थ्री आयोटा लिखा है, ठीक है। प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब फोर माइनस नाइन इंटू आयोटा स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ देयरफॉर जेड इक्वल्स टू देखिए माइनस स्क्वायर रूट फाइव फिर ये प्लस वन, इसे लिख सकते हैं हम वन, अब ये वन प्लस फोर फाइव, यहाँ का वन, चलिए टर्म्स हम कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या है वन, यहाँ पे कितना है फोर और यहाँ है स्क्वायर रूट माइनस फाइव, ओके टू इंटू टू आयोटा फोर आयोटा, साथ में है माइनस थ्री आयोटा और यहाँ पे माइनस नाइन इंटू लिख सकते हैं माइनस वन, ठीक है ना। यहाँ एक तो आपको रीज़न देना है सिंस स्क्वायर रूट माइनस वन इक्वल्स टू हमने आयोटा सब्स्टिट्यूट किया है, और यहाँ पे रीज़न क्या देना है हमें सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू हमने माइनस वन सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ देयरफॉर जेड इक्वल्स टू वन प्लस फोर फाइव, फाइव माइनस स्क्वायर रूट फाइव, फोर आयोटा माइनस थ्री आयोटा, इट विल बी आयोटा माइनस नाइन इंटू माइनस वन, ये रहेगा प्लस नाइन, माइनस नाइन इंटू माइनस वन प्लस नाइन, एंड देयरफॉर जेड इक्वल्स टू नाइन प्लस फाइव, इट विल बी फोर्टीन माइनस स्क्वायर रूट फाइव प्लस आयोटा, इसको हम कंपेयर करेंगे ए प्लस आयोटा बी के साथ, देयरफॉर ए का वैल्यू मिलेगा हमें फोर्टीन माइनस स्क्वायर रूट फाइव और बी इक्वल्स टू रहेगा वन, ठीक है।
इस प्रकार से देखिए, ये जो हमें बहुत बड़ा नंबर दिया गया था, ठीक है ना, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है a प्लस आयोटा b में, और a का वैल्यू 14 माइनस स्क्वायर रूट 5 है, b का वैल्यू 1 है, ठीक है। चलिए रिमेनिंग सब क्वेश्चन 10 में दिया हमें 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। चलिए z इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1, सिंस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, माइनस 1, देयरफॉर z इक्वल्स टू 4 प्लस 9, ओके, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू 13। इस 13 को हम लिख सकते हैं 13 प्लस 0 आयोटा, और ये किस फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b फॉर्म में है, देयरफॉर a इक्वल्स टू 13 रहेगा और b इक्वल्स टू 0। अब इसी प्रकार से हम 11 नंबर का क्वेश्चन सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले, इसे सॉल्व करने से पहले, यहाँ पे आयोटा रेस टू 8, आयोटा रेस टू 9, आयोटा रेस टू 11, आयोटा रेस टू 10, ये जो यहाँ पे दिए हमें, इनके वैल्यूज हम पहले फाइंड करते हैं। देखिए आयोटा रेस टू 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 4, और हमें आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पता है कितना, माइनस 1, मतलब माइनस 1 रेस टू 4 इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1, ओके। अगर हम आयोटा रेस टू 9 फाइंड करते हैं, ये रहेगा आयोटा रेस टू 8 इंटू आयोटा, आयोटा रेस टू 8 का वैल्यू कितना है, 1, यहाँ पे 1 इंटू आयोटा, मतलब आयोटा लिखते आएगा। फिर आयोटा रेस टू 11, इसको हम लिख सकते हैं, आयोटा रेस टू 10 फाइंड करेंगे पहले, आयोटा रेस टू 10 को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 5, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास माइनस है, माइनस 1 रेस टू 5, इसका मतलब माइनस 1, तो आयोटा रेस टू 10 का वैल्यू माइनस 1 है। अब आयोटा रेस टू 11 को हम किस प्रकार से ले सकते हैं, आयोटा रेस टू 10 इंटू आयोटा, आयोटा रेस टू 10 का वैल्यू हमारे पास माइनस 1 है, माइनस 1 इंटू आयोटा, इसका मतलब माइनस आयोटा, ठीक है। माइनस 1 का पावर अगर इवन नंबर आता है तो आंसर 1 मिलेगा, माइनस 1 का पावर अगर ऑड नंबर आता है तो आंसर माइनस 1 मिलेगा। आयोटा रेस टू 9 को आयोटा रेस टू 8 इंटू आयोटा क्यों लिखा है, क्योंकि बेस अगर सेम है तो हम इंडेक्स का सम लेते हैं, 8 प्लस 1 मतलब 9, यहाँ पे भी अगर बेस सेम है तो इंडेक्स का सम लेना है 10, यहाँ पे इंडेक्स है 1, 10 प्लस 1 कितना, 11। तो चलिए अब हम जो नंबर हमें दिया है z इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं 4 आयोटा रेस टू 8 माइनस 3 आयोटा रेस टू 9 प्लस 3 अपॉन 3 आयोटा रेस टू 11 माइनस 4 आयोटा रेस टू 10 माइनस 2। देयरफॉर z इक्वल्स टू 4 इंटू आयोटा रेस टू 8 का वैल्यू 1 है, माइनस 3 इंटू आयोटा रेस टू 9 का वैल्यू आयोटा है, ओके, प्लस यहाँ पे है 3 अपॉन 3 इंटू आयोटा रेस टू 11 का वैल्यू माइनस आयोटा है, माइनस 4 इंटू आयोटा रेस टू 10 का वैल्यू माइनस 1 है, और यहाँ पे रहेगा माइनस 2, ठीक है। नाउ देयरफॉर z इक्वल्स टू 4 इंटू 1 4, यहाँ पे माइनस 3 आयोटा प्लस 3 अपॉन, देखिए क्या मिलेगा, माइनस 3 आयोटा, फिर यहाँ पे माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2। नाउ देयरफॉर z इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 2 2, और फिर यहाँ पे है माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में जो हमें 2 माइनस 3 आयोटा मिला है उसके कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर z इक्वल्स टू देखिए क्या मिलेगा, 7 माइनस 3 आयोटा, 7 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा इंटू, ध्यान दीजिए इंटू हमें क्या मिलेगा, लुक हियर, इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। नाउ देयरफॉर z इक्वल्स टू 7 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4 मिलेगा,
7 से 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 21 आयोटा रहेगा, माइनस 3 आयोटा से 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 6 आयोटा, माइनस 3 आयोटा से प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 9 आयोटा स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, सॉरी प्लस लेना है, 2 प्लस 3 आयोटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 इंटू 3 इंटू आयोटा स्क्वायर मतलब 9 आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, एंड देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 14 प्लस 15 आयोटा प्लस 9 इंटू माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1 सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, एंड देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 14 प्लस 15 आयोटा प्लस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 9 अपॉन 4 प्लस 9, ओके 14 देखिए 14 प्लस 9 23, देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 23 प्लस 15 आयोटा अपॉन 13, ओके 4 प्लस 9 क्या होगा 13, ये 14 प्लस 9 23, एंड देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 23 अपॉन 13 प्लस 15 अपॉन 13 आयोटा, ओके इसे हम कंपेयर करते हैं ए प्लस आयोटा बी के साथ, देयरफॉर ए का वैल्यू 23 अपॉन 13 और बी इक्वल्स टू 15 अपॉन 13, ओके ए इक्वल्स टू 23 अपॉन 13 रहेगा और बी इक्वल्स टू 15 अपॉन 13 रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमें यहां पे ए और बी का वैल्यू मिला है, ए इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 23 अपॉन 13 और बी इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 15 अपॉन 13। देखिए स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 11 सब क्वेश्चंस थे, टोटल इन 11 सब क्वेश्चंस को उनके सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से देखा है, बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पर भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।